Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. एक टीवी चैनल पर चल रही लाइव बहस के दौरान ही मौलाना मुफ्ती एजाज अरशद कसामी ने फराह फैज को थप्पड़ जड़ दिया। अचानक इस घटनाक्रम का वीडियो भी प्रसारित हो गया। हालांकि इस घटना के बाद ही पुलिस ने महिला को थप्पड़ मारने और उत्पीड़न के मामले में मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। फराह फैज तीन तलाक मामले में मुख्य याची है। मौलाना कसामी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन कहा कि वह अपनी इस करतूत से काफी शर्मिंदा है। यह वाक्या जी मीडिया के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें तीन तलाक का विरोध करने वाली निंदा खान को फतह जारी किया जाने पर बहस चल रही थी। इस मामले में फराह फैज भी निंदा खान को समर्थन कर रही थी।